वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। रेल सेवा बहाल करने की दिशा में रेलवे का बड़ा फैसला। शुरुआत में दिल्ली से 15 शहरों के बीच 12 मई से चलाई जाएंगी ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर और रांची के लिए चलेंगी ट्रेनें। सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू पहुंचाए जाएंगे प्रवासी मजदूर। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग करवाए गए टिकट पर ही कर पाएंगे सफर। IRCTC वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी बुकिंग, एजेंट के जरिए टिकट की सुविधा नहीं होगी। जांच के बाद सिर्फ कंफर्म टिकट वाले शख्स को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। फिलहाल ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही खुलेगी ट्रेन। यात्रा के दौरान चेहरा ढकना जरूरी। भविष्य में कई अन्य रूटों पर भी रेलवे कर सकता है विशेष ट्रेन की सुविधा। प्रवासी मजदूरों के लिए रोज 300 ट्रेनें चलाने की मंजूरी। रेलवे के 20,000 कोच का फिलहाल नहीं किया जाएगा इस्तेमाल, इनमें रहेगी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की 5वीं वार्ता। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में 2 पारियों में बातचीत होगी। पहली पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरा सत्र शुरू होगा शाम 6 बजे के बाद। पीएम की इस बैठक में इस बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा बोलने का मौका। इससे पहले 10 से 11 सीएम ही रख पाते थे अपनी बात। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर भी मंथन होगा। 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन का तीसरा चरण। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट से संबंधित बातों पर भी चर्चा संभव। उद्योग जगत में दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर भी हो सकता है मंथन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। इन राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की कर सकते हैं मांग। लॉकडाउन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, 17 मई के करीब ही लिया जाएगा इस पर कोई निर्णय। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। ग्राहकों को राहत देने पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैंक के CMD और CEO से करेंगी चर्चा। क्रेडिट फ्लोर होगा मुद्दा। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 63,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 2100 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत हुई। 1278 नए मरीज, अब तक 22,000 से ज्यादा संक्रमित, 832 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 875 मरीज बढ़े। मुंबई में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 13,700 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 19 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। अब तक मुंबई में कोरोना के 508 लोगों की जा चुकी है जान। धारावी में भी कोरोना के 26 नए मरीज आए हैं सामने। अर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल में अब तक कुल 158 कैदी कोरोना से पीड़ित। अर्थर रोड जेल में अफसरों समेत 26 कर्मचारी भी कोरोना से पीड़ित। सभी को किया गया है क्वारंटीन। मुंबई के भायखला जेल में महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे और सैम अहमद को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन तोड़ने का है दोनों पर आरोप। मरीन ड्राइव से हुई पूनम और सैम की गिरफ्तारी। लॉकडाउन के बीच BMW से तफरी के लिए निकले थे। गुजरात में 7,700 से ज्यादा कोरोना के केस, 472 लोगों की मौत हुई, 2,000 से ज्यादा पीड़ित हुए स्वस्थ। दिल्ली में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत, 381 नए मामले, 7,000 के करीब पहुंचा है बीमारों का आंकड़ा। दिल्ली में अब तक 125 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 25 कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी हुए स्वस्थ। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले गिरोह को हिरासत में लिया। चेकिंग के दौरान खुली पोल, 2 ट्रकों में मिले 100 लोग। दिल्ली से यूपी एसेंशियल सर्विस के बहाने चलता था गोरखधंधा। दिल्ली के लोग हर मजदूर से 500 से 1500 रुपए तक वसूल करते थे। मध्य प्रदेश में 3,600 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए। मरने वालों की संख्या हुई 200 के पार। राजस्थान में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में अब तक 3,800 से ज्यादा संक्रमित, 108 मरीजों की गई है जान। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। एक दिन में 3 मरीजों की मौत हुई, 669 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार। केरल में कोरोना के 7 नए मामले, मरीजों की संख्या 500 के पार, अब तक 4 लोगों की गई है जान। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज, अब तक करीब 1200 संक्रमित, 30 लोगों की मौत।
पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत, अब तक 113 ने गवाई है जान। यूपी में कोरोना के 102 नए मरीज, अब तक 3400 से ज्यादा संक्रमित, 79 मरीजों की मौत। पंजाब में अब तक 1700 ज्यादा कोरोना के केस पाए गए, 31 पीड़ितों की मौत हुई। विशाखापट्टनम हादसे में सबक, फैक्ट्रियों के लिए एनडीएम की नई गाइडलाइंस, रिसाव से खतरे वाली इकाइयों में ऑन स्पॉट डिजास्टर मैनेजमेंट का निर्देश। सबसे बड़ी महामारी की चपेट में एयर इंडिया के 5 पायलट, उड़ान भरने से पहले की गई जांच में वायरस की पुष्टि हुई, कुछ दिन पहले कार्गो विमान लेकर आए थे चीन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन, एयर इंडिया के विमान से मलेशिया से रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों समेत 177 भारतीय। मनीला से 241 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा विमान। अमेरिका के रेस्क्यू किए गए जा रहे भारतीयों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान, मन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी। त्रिवेंद्रम में एयरपोर्ट पर लगाया गया, नीदरलैंड से लाया गया थर्मल स्कैनर, 5 मीटर की दूरी से शरीर के तापमान को करेगा रीड। कोरोना संकट के बीच ऑपरेशन समन्वय सेतु जारी, मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोची रवाना हुआ INS मगर। एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित। भारत ने बनाया कोरोना कवच, एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट, एलिसा तैयार। पुणे में ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तैयार किया है कोरोना कवच, कोविड कवच एलिसा से कोरोना जांच आसान होगी। कोविड कवच एलिसा से 2.5 घंटे में एक साथ 90 सैंपल्स टेस्ट किए जा सकेंगे, जिला स्तर पर भी एलिसा टेस्ट संभव होगा। एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ICMR ने जाइडस कैडिला के साथ हाथ मिलाया। अमाला से यूपी जाने के लिए निकले 272 प्रवासी मजदूर 7 बसों में हुई रवानगी। बस मिलने पर झलकी मजदूरों की खुशी, बागपत सहारनपुर शामली के लिए निकली बसें, प्रशासन ने पैक करा कर दिया खाना। बड़वानी में यूपी के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, मुंबई से आ रहे थे सभी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले, प्रशासन सतर्क। लुधियाना में पुलिस ने 10 साल के मासूम को बर्थडे को बनाया है खास, लॉकडाउन के बीच तोहफा लेकर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यूपी की सीमा पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, यूपी प्रशासन ने से एंट्री की इजाजत नहीं मिलने के बाद भड़के। मध्य प्रदेश के नीमच में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए, नीमच अब कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई है 28। यूपी के पाली में 16 कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होने की खबर, लेकिन डिस्चार्ज करते वक्त अस्पताल में लगा मेला, DM समेत सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूले। कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुंचने पर दिखी अस्पताल के से अलग ही तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीणों ने किया स्वागत। हिमाचल के बिलासपुर में 2 कैब ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मंडी के कोरोना अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रवासी मजदूरों को लेकर पणजी के उधमपुर के लिए निकली श्रमिक एक्सप्रेस, कुल 1055 यात्री हुए रवाना। इंदौर में 2 कोरोना पीड़ित डॉक्टर हुए स्वस्थ, प्लाज्मा थेरेपी से हुआ है इलाज। लॉकडाउन के बीच कानपुर में मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन की शादी, चंद परिजनों की मौजूदगी रही। आसनसोल में शराब की दुकान खोलने पर हंगामा, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती बंद कराई दुकान। कोरोना पीड़ित मृतकों के दाह संस्कार के लिए बड़ोदरा पुलिस ने ईसाई समुदाय से मांगी है जमीन, शहर से दूर कब्रिस्तान का दिया गया कुछ हिस्सा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पैदल सफर कर रहे प्रवासी मजदूर की मौत, महाराष्ट्र के ठाणे से जा रहा था यूपी। बड़वानी में कल भी 3 प्रवासी मजदूरों की हुई थी मौत, इनमें से एक का सेंधवा में किया गया अंतिम संस्कार। गुजरात हॉटस्पॉट जोन अहमदाबाद से पाली के तखतगढ़ पहुंचा एक परिवार, पेश की होम क्वारंटीन होने की मिसाल। जबलपुर हाईवे पर दिखा प्रवासी मजदूरों का पलायन, पैदल साइकिल और ट्रकों में भरकर कर रहे हैं यूपी और बिहार का सफर। कैमूर में यूपी बॉर्डर पर स्थित प्रवासी मजदूरों के राहत शिविर में आंधी बारिश से तबाही, पंडाल और कुर्सी पंखे सब गिरे। पूर्पिया मनमोहन सिंह की सेहत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में कराया गया भर्ती। मुलायम सिंह यादव की भी तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, पेट दर्द की शिकायत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में, रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी को वेंटिलेटर पर रखा गया। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जिलों में तूफान का कहर, बारिश के साथ गिरे ओले। महाराष्ट्र के वाशिम आंधी बारिश से दुकान में गिरी बिजली,
दरगाह शरीफ के अहाते में लगा नारियल का पेड़ जल गया। लाहौल स्पीति में 5 महीने के बाद शुरू होगा सेब का कारोबार, बर्फबारी से बंद था रास्ता। शिमला में जमकर हुई बारिश, लुढ़का पारा। वाराणसी में आंधी बारिश से तबाही, ढहे पेड़, मकान, दुकान, शॉपिंग मार्ट को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के हरदोई में आंधी बारिश ने ली 3 लोगों की जान, पेड़ ढहने से 2 लोगों की गई जान, आंधी में लगी आग से बूढ़ी महिला जिंदा जली। मेरठ में आंधी और बारिश का कहर, पेड़ और बिजली के पोल ढहे। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में कोरोना की गहरी घुसपैठ, 81 और कैदी हुए पॉजिटिव, जेल में कुल 184 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे का बिना विरोध एमएलसी चुने जाने का रास्ता साफ हुआ, कांग्रेस ने अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम भी वापस लिया। सहारनपुर से राहत भरी खबर, 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को शादी का तोहफा दिया, 94 साल के तीर्थ सिंह और 90 साल की शांति देवी के लिए केक लेकर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप, 2 ग्राम पंचायतों में किसी को भी नहीं दिया गया राहत का राशन। हंदवाड़ा हमले की साजिश करने वाले पाकिस्तान को सताया पलटवार का डर, सीमा पर बढ़ाई आसमानी गश्ती, पाकिस्तान की भारतीय सेना भी पूरी तरह से सतर्क। कोरोना के खिलाफ नाकामी छुपाने के लिए विवादों को हवा दे रहा है पाकिस्तान, चिनाब नदी में पानी की कमी का लगाया है आरोप। बॉर्डर पर ड्रैगन की हिमाकत, नॉर्थ सिक्किम के नाथुला बॉर्डर पर जवानों में भिड़ंत, चीनी टुकड़ी ने उकसाया तो भारत ने दिया करारा जवाब। व्हाइट हाउस में कोरोना ने बढ़ाई घुसपैठ, टास्क फोर्स के 2 सदस्य वायरस की चपेट में। दुनिया भर में कोरोना का कहर, अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 2,80,000 मरीजों की हो चुकी है मौत। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए, अब तक 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। चीन में कोरोना संक्रमितों के 16 नए मामले सामने आए, 28 अप्रैल के बाद एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुछ चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार, स्वदेशी वापसी के लिए किया था हंगामा। पाकिस्तान सरकार ने दुकानें, कारखाने और व्यवसायों को खोलने का दिया मौका, भुखमरी का हवाला देकर लॉकडाउन में राहत की खबर। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित पादरी की मौत हुई, चर्च के प्रमुख पेट्रियार्क ने अंतिम प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।